हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीमा। आज मैं गोभी मसाला बना रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना प्लीज़। तो चलिए बनाते हैं सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए ये मैं गोभी ली हूँ, ये देखिए, जिसको मैं मीडियम साइज़ के काट ली हूँ। और ये आलू भी है जिसको मैं मीडियम साइज़ काट ली हूँ। आप चाहे तो आलू कम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं दो प्याज ली हूँ मीडियम साइज़ का, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, टेस्ट के हिसाब से नमक, लहसुन अदरक पेस्ट 1 चम्मच। ये मैं यहाँ पे एक टमाटर, बड़ा सा टमाटर को मैं प्यूरी बना ली हूँ। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा और ये धनिया पत्ता, हरे धनिया पत्ता जिसको मैं काट ली हूँ। तो देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैं पैन रखा गरम होने के लिए। पैन गरम हो गया है, अभी मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, अभी मैं गोभी और आलू को एक साथ ही फ्राई कर लूँगी। अब मैं इस गोभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, क्योंकि गोभी कच्चा रहता है तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं गोभी को बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी जैसे मैं करती हूँ। अगर आप ट्राई कर रहे हैं सब्जी बनाना तो वैसे ही आप भी करें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है इसका। हमारा गोभी और आलू फ्राई हो चुका है, मैं अभी निकाल रही हूँ उसको। अभी मैं सेम पैन में फिर से थोड़ा सा तेल डाली हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तेल, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी मैं जीरा डाल रही हूँ इसमें। जीरा का भी कलर चेंज हो गया है। अब मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज को भी मैं अच्छे से भून लूंगी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी, इसका कच्चापन जब तक ना निकल जाए। 2 से 3 मिनट हो गया है। अभी मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ जो मैं पीस के रखी थी, इसको भी मैं भून लूंगी अच्छे से। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर पहले डाल रही हूँ। अब मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी 2 मिनट के लिए यहाँ पे। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, फ्राई हो गया है अच्छे से। अब मैं इसमें ये भुना हुआ गोभी और आलू डाल रही हूँ और सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी अभी। ये देखिए मसाले के साथ मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं अभी भी फ्राई कर रही हूँ इसको। अब मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। ये गोभी के साथ भी ये मैं फ्राई कर ली हूँ इसको, मसाले के साथ गोभी को। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, बस मैं यहाँ पर छोटा सा गिलास से 1 गिलास पानी यूज़ की हूँ, क्योंकि बस मुझे गोभी को सिर्फ पकाना है। और मैं इसको कवर कर देती हूँ। अभी मैं तब तक इसको पकाऊंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए गोभी। ये देखिए ये कितना अच्छे से उबल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ अभी, ये हमारा सब्जी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है ये। अभी मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। अब मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा खासा उबल रहा है अभी। और मैं इसको सारा, इसका पानी सारा मैं जला दूंगी। ये देखिए ये पानी लगभग जल गया है, सारा पानी जल गया है। ये बिल्कुल लग रहा है गोभी मसाला के जैसे। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना प्लीज। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट सारे सब कुछ कर देना। और मैं फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।